मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ, पहले बिहार था, अब झारखंड हो गया। मेरा यहाँ जलंधर के रैया के पास गांव है अपना। हमारे पेरेंट्स जो थे, पिताजी हमारे, सन 50 में जमशेदपुर चले गए और वहाँ उन्होंने टाटा स्टील ज्वाइन की। मेरा जन्म भी वहीं हुआ और फिर मेरी सर्विस भी वहीं हुई। इस दौरान स्कूल लाइफ से बस गाने का शौक़ लगा और पहले मैं स्कूल में प्रेयर करता था तो लता जी का एक गाना था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये मेरी लाइफ का पहला सॉन्ग था जो मैं प्रेयर करता था, बच्चे मेरे पीछे गाते थे। आस्ते आस्ते ऐसे हौसला बढ़ा, फिर मैं मैट्रिक में आया तो मैंने एक बार स्कूल में मेरा रंग दे बसंती चोला गाया। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ा वो आर डी टाटा हायर सेकेंडरी स्कूल था, तो बहुत सारे अफसरान भी सारे खुश हुए, जितने मास्टर थे वो खुश हुए और मेरा हौसला फिर बढ़ा। फिर मैंने कुछ दिन ऑर्केस्ट्रा में गाया और काफ़ी दिन गाया ऑर्केस्ट्रा में और अच्छा भगवान की कृपा से मुझे अनुभव हुआ। पर मेरी शुरुआत जो हुई वो गुरुवाणी तो मैं गाता ही था, शब्द पढ़ता ही था। मैं एक बार सावन के महीने में, हमारे यहाँ कावड़िया संघ जमशेदपुर संस्था थी, एक मारवाड़ी समाज था पूरा, राजस्थानी लोग, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एक बार भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए देवघर चलिए। अब देवघर जो है वो झारखंड में आ गया, पहले बिहार में था। तो वो पैदल कांवड़ लेके चलते थे तो मैं भी गया। बस ऐसी महादेव की कृपा हुई कि फिर और बड़ी कृपा हुई। फिर मेरी गुलशन कुमार जी के भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने फिर टी सीरीज में मेरे को बुलावा किया। फिर गुलशन कुमार जी से मैं मिला, बस फिर उनकी मेहरबानी हुई और उन्होंने फिर टाटा स्टील की मेरी सर्विस भी छुड़वा दी और वहीं बॉम्बे में सेट कर लिया। बाकी गाना बजाना जो है वो एक ईश्वर की देन है, मैंने किसी से सीखा नहीं, बस बाबा ने ही गवाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि माँ की कृपा हुई, फिर बालाजी की कृपा हुई। खाटू श्याम जी का दरबार है, बहुत फेमस है पूरा राजस्थान में, वहाँ से ज़्यादा प्रसिद्धि हमको वहीं से मिली और दर्शकों का, सुनने वालों का बड़ा प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, जो मैं यहाँ तक पहुँचा। मैया का चोला रंगला गुलशन कुमार जी ने अपनी देखरेख में करवाई और सबसे पहले उस समय नया नया ये भक्ति सागर चला था टीवी में, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया और उसके बाद फिर बालाजी के भजन प्रेजेंट किए, फिर मैंने खाटू श्याम के भजन गाए, भोलेनाथ जी के गाए, कवालियाँ गाईं, गज़लें गाईं, फिल्मों में गाया, पर अब केवल भजन भजन ही गाने में मेरी आत्मा मेरे को गवाही नहीं देती कि भजन ही आपका। देखिए मैंने तो आज तक जितने भी भजन गाए हैं, मैंने क्या गाए हैं उन्होंने गवाया। अब भोलेनाथ जी का एक भजन बड़ा फेमस हुआ, वो पूरा दुनिया में जहाँ भी मैं गया वहाँ उन्होंने बहुत चला, वो शिव शंकर डमरू वाले, जयती जयती जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, खेल हैं तेरे नाथ निराले, नाग गले में विषधर डाले, जय शंभू जय जय शंभू। ये बहुत फेमस हुआ शिव शंकर डमरू वाले, उस समय कैसेट थी। और माता जी का भजन, मैया का चोला रंगला, प्यारा सजा तेरा द्वार भवानी, बेटा बुलाए, माँ की चिट्ठी आई है, बहुत जितने भी गाए दर्शकों ने, सुनने वालों ने मुझे अच्छा प्रेम दिया और अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और जो सबसे ज़्यादा दुनिया में बजा वो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, वो बहुत बजा है। उस पर मैंने कदम उठाया तो है, आगे जैसी माता रानी की कृपा होगी या दर्शकों का, जैसे देखने वालों का प्यार मिलेगा। माँ पूर्णागिरी उत्तराखंड में टनकपुर एक स्टेशन है, उससे थोड़ी दूर पे एक तरफ गुरु नानक साहब का दरबार है नानक मत्ता और एक तरफ है रीठा साहब और बीच में पहाड़ के ऊपर माता का बहुत
काफ़ी ऊंचाई पे दरबार है माँ पूर्णागिरी। तो जैसा कि मुझे वहाँ से पता चला विद्वानों से, उन्होंने कहा कि माता जी की नाभि यहाँ गिरी थी, और जहाँ से वो मैं देख के आया हूँ वहाँ पहाड़ के बीच में छेद है, वो सीधी शारदा नदी, जो भी आप डालेंगे शारदा नदी में जाएगा, और वो केवल एक चोटी लटक रही है, ना कोई उस तरफ जा सकता ना इधर से जा सकता, बस वो चोटी लटक रही है। ऐसे लोग आते हैं सीढ़ियों से और एक दो आदमी आके दर्शन करके वापस आ जाते हैं। तो मैं अच्छा प्रभावित हुआ वहाँ से, अच्छा लगा मेरे को बहुत, दिल को, देखिए जहाँ दिल को चैन मिले तो वहाँ चैन मिला आगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ लोग थे वहाँ कि आप क्या सहयोग करेंगे, तो मैंने फिर उनको कहा कि छोटा बेटा मेरा, मैं उनको एज ए हीरो आपको दे सकता हूँ, सिंगर में मैं हूँ ही आपके पास, जैसा भी हूँ। बड़ा बेटा है वो भी सिंगर है, बिटिया सिंगर है, सबको मैंने एक एक दो दो सबसे गवा के और उसको प्रेजेंट मैं करूँगा। उस पर मुंबई की कंपनी है आद शक्ति इंटरटेनमेंट, वो भोजपुरी फिल्में उन्होंने बहुत बनाई हैं, वो मेरे दोस्त हैं, और जितनी भी सीडीज़ कैसेट मेरी निकली उसमें म्यूज़िक उन्होंने दिया, दुर्गा नटराज। तो उनसे मैंने आइडिया लिया, तो वो दुर्गा जी बोले कि हम आपको पूरा फुल कोऑपरेट करेंगे, आप आइए, उनको लेके आइए। फिर वो उत्तराखंड से आए, वो लोग बैठ के हुए, फिर पिक्चर कंप्लीट हो गई है, अब शारदीय नवरात में उनको रिलीज़ किया जाएगा। माँ पूर्णागिरी जी, माता की महिमा का पूरा इसमें वर्णन है और धार्मिक पिक्चर है, कोई ऐसा उसमें सीन नहीं है जो देखने में बुरा लगे या कोई अश्लील टाइप का हो, एकदम अपनी देख रेख में मैंने उसे कराया कि लोगों के प्रति और विश्वास बढ़े, क्योंकि अभी कलयुग है और लोगों का ईश्वर से विश्वास उठते जा रहा है। मेरी कोशिश है आगे जैसी माता की इच्छा, माता के भक्तों की इच्छा, जैसे जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। दर्शकों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इसे एक बार ज़रूर देखें, बच्चों को दिखाएं, ताकि अपने बच्चों को पता चले कि हमारे पूर्वज कैसे रहे या हमारी कथाएं कैसी हैं, हमारी कहानियां क्या हैं, हमारा देश क्या है, कैसे कैसे देवी देव यहाँ हैं, कैसे गुरु पीर यहाँ पर हैं। तो उनको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि भक्तिभाव तो ज़रूर होना चाहिए, हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भक्तिभाव होना चाहिए, क्योंकि अब अपना देश शुरू से भक्तिभाव का श्रेष्ठ रहा है। मैं दर्शकों से ही प्रार्थना करूँगा कि उसे एक बार ज़रूर आप देखें ज़रूर, और उसके जितने भी भजन हैं वो बहुत हमने मेहनत की उस पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि भजन उनके बहुत लोग पसंद करेंगे। जी हाँ, इससे वो शुरुआत कर रहे हैं। वो बड़ा बेटा भी एक्टिंग कोर्स किया है और छोटा वाला भी एक्टिंग का कोर्स किया है, दोनों ने मुंबई में किया। और बड़े वाले को मैंने पूछा था तो वो कहीं बिजी था, तो फिर छोटे वाले को मैंने कहा कि तू कर दे, तो वो रेडी हो गया, क्योंकि बच्चे भी धार्मिक पिक्चर करने में थोड़ा से एक देखते हैं। मैंने कहा बेटा अच्छी स्टोरी है, अच्छी कहानी है और अच्छा रिस्पॉन्स तेरे को मिलेगा, मेरा पूरा विश्वास है, तो मान गया। मैंने इसमें एक सूफी भजन गाया है, मैं उसकी दो लाइनें सुनाता हूँ, और मुझे जो एक्चुअली सूफी रंग होना चाहिए, वैसे तो सारे कलाकार गाते हैं ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली सूफी रंग होना चाहिए वो मैंने उसमें कोशिश की है भरने की, खुद मैंने भी रोल किया है इसमें मैंने भी एक फ़कीरी ड्रेस पहन के और रोल किया है इसमें, और उसमें एक तारे के साथ मैंने, जो अपने पंजाब का वो लोक साज है एक तारा, मैं पहले एक तारे के साथ भी बहुत गाया, मैंने पंजाबी सॉन्ग मैंने बहुत गाए, धार्मिक गीत बहुत गाए। इसकी दो लाइनें मैं, मेरे को याद है, मैं सुना देता हूँ। अपने हिस्से किने किया वक्त के रहते कर ले, अपने हिस्से किने किया वक्त के रहते कर ले, वक्त कहीं ये बीत न जाए, वक्त कहीं ये बीत न जाए, कुछ तो वक्त डर ले,
अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। वक्त कहीं ये बीत न जाए कुछ तो वक्त से डर ले, अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। ये बड़ा सुंदर मैसेज है और मेरे दिमाग में थी कि रफ़ी साहब ने एक गीत गाया था, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय बेराज। इस समय को लेके है कि समय कभी भी बदली हो सकता, आदमी को समय से डर के रहना चाहिए।